नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पर स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूं भिंडी की खेती कैसे करें, इसके संबंध में बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हो, भिंडी की एक प्रमुख फसल है, जिसकी दो फसलें उत्तरी भारत में ली जाती हैं और भिंडी सब्जी के काम में आती है। भिंडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसका प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में दवाओं के काम में आता है और इसकी जड़ का भाग धूल को साफ करने के काम में आता है। भिंडी का वानस्पति नाम एवरमॉस्कस प्लांटस है, मालवेसी कुल का पौधा है और इसमें 130 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कुछ प्रजातियां हैं जिसमें 72-58 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका एवं हिंदुस्तानी सेंटर से हुई है, जिसमें भारत, वर्मा, इंडोनेशिया, पाकिस्तान का विशेषता आता है। उत्तरी भारत में भिंडी की मुख्य रूप से दो फसलें उगाई जाती हैं, एक अगेती फसल, दूसरी पछेती फसल। अगेती फसल जो ग्रीष्मकालीन फसल होती है, ग्रीष्मकालीन उसको हम अगेती फसल, और जो वर्षाकालीन फसल होती है उसको हम पछेती फसल कहते हैं। तो दक्षिण भारत में भिंडी की पूरे वर्ष पर खेती की जाती है, क्योंकि वहाँ पर इसके उगने के लिए पर्याप्त तापमान मिलता है। इस टेबल के माध्यम से इसका भिंडी का क्षेत्रफल, उत्पादन, उत्पादकता कितनी है, इसके आंकड़े दिखाए गए हैं। इसके क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर और उत्पादन 1000 मीट्रिक टन तथा उत्पादकता टन पर कैसे दिखाई गई है। इसमें आप देखिए 1991-92 में 222,000 हेक्टेयर में खेती हुई, जो कि 2016-17 में 501 तक पहुँच गई है। इसके कहने का मतलब भिंडी का उत्पादन और क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसी तरह से उत्पादकता भी, जो 1991-92 में 8.5 थी, जो वर्तमान में बढ़कर के 11.54 पहुँच चुकी है। इस प्रकार से भिंडी का मांग बढ़ रही है, क्योंकि भिंडी के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसका उपयोग सब्जी के रूप में भी किया जाता है और इसको सुखा करके भी भेजा जाता है और इसके जड़ों से जो रस निकलता है उससे गुण साफ करने के काम आता है। इसके अतिरिक्त इसमें इसके पत्तों का उपयोग बीमारियों के लिए दवाओं के रूप में किया जाता है और इसके अंदर दवा में कैटी नाम पदार्थ होता है, जो मधुमेह और पेट के रोगों से शरीर की रक्षा करता है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा राज्य में भिंडी का क्षेत्रफल और उत्पादन उत्पादकता के लिए, ये आपके हिसाब से 5 टॉप स्टेट हैं जिनमें सबसे अधिक उत्पादन और सबसे अधिक क्षेत्र उसमें दिखाया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 5 टॉप मोस्ट राज्य हैं जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा भिंडी का क्षेत्रफल एवं उत्पादन है। पोषक तत्वों के दृष्टिकोण से भिंडी में पर्याप्त मात्रा में बहुत नमी 89%, कार्बोज 6.4%, प्रोटीन 1.9%, इस तरह से खनिज तत्व कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटास, सोडियम, इस तरह के विटामिन B1, B2, विटामिन सी, निकोटिनम आदि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, उसमें पोटेशियम, तांबा। अब भिंडी की उगाने के लिए इस तरह की जलवायु होनी चाहिए। मित्रों, भिंडी एक वर्षीय फसल है और इसको गर्मी की फसल उगाते हैं। ये गर्म और तर जलवायु का पौधा है, इसलिए बरसात के दिनों में इसकी वृद्धि अधिक होती है। ग्रीष्मकालीन में वातावरण नमी कम होने की वजह से पौधे की वृद्धि कम होती है। इसमें रात्रि का तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और दिन का तापमान 25 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। यदि तापमान 20 से नीचे हो जाता है तो बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है और तापमान 35 से अधिक हो जाता है, 40 तक पहुँच जाता है, तो परागण क्रिया प्रभावित होती है, क्योंकि जो परागण होते हैं उनमें परागण क्रिया नहीं हो पाती और परागण सूख जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे में फल नहीं बनते और पौधे में पौधा खाली हो जाता है, उसमें नहीं हो पाते हैं। इसके लिए न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर बसंत काल में फसल जब आप होते हैं तो उस समय फरवरी के मार्च के महीने में जब तापमान भूमि का 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो बीज का अंकुरण नहीं होता है, इसीलिए बताया जाता है कि 15 फरवरी के बाद ही इसकी बुआई की जाती है जब भूमि का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। औसतन इसकी वृद्धि और विकास के लिए
25 से 30 तापमान सर्वोत्तम फायदा होता है। भिंडी की खेती किसी भी प्रकार की भूमि में हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भारी मटियार दोमट भूमि 20-कालीन फसल के लिए अच्छी होती है और वर्षाकालीन फसल के लिए बलुई दोमट अच्छी होती है, क्योंकि वर्षाकालीन फसल में पानी ज़्यादा लगता है तो उसके कारण पौधे नष्ट हो जाते हैं। और ग्रीष्मकालीन में चूंकि पौधों को पानी की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है और मटियार भूमि पानी को सोखने की क्षमता रखती है, इसलिए उस समय मटियार दोमट भूमि में खेती करते हैं तो फसल अच्छी होगी। और साथ ही इसमें मटियार दोमट भूमि यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें गोबर की पर्याप्त मात्रा में सड़ खाद का प्रयोग करना चाहिए। और सबसे उत्तम भूमि दोमट भूमि होती है जिसका पीएच मान 6.6 से 6.8 के मध्य होना चाहिए और इसकी एक गहरी जुताई मिट्टी पर इस्तेमाल हल से करें और उसके बाद 2-3 जुताई करके खेत को मिट्टी को उसमें समतल कर लें और भुरभुरी कर लें और उसमें पाटा चला करके मिट्टी को बारीक करके उसके बाद उसकी बुवाई कर सकते हैं। मौसम के हिसाब से मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में इसके बीज की बुवाई का समय अलग अलग है। मैदानी क्षेत्रों में बसंतकालीन फसल की बुवाई फरवरी मार्च के महीने में की जाती है और वर्षाकालीन फसल की बुवाई जून जुलाई में की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और घाटियों में मैदानी क्षेत्रों के समान ही इसकी बुवाई की जाती है। तराई के क्षेत्रों में वसंतकालीन ग्रीष्मकालीन फसल बोनी चाहिए फरवरी मार्च के महीने तक पाया गया है और वर्षाकालीन फसल के लिए जून के महीने में या 30 जून तक बुवाई कर देते हैं तो उसमें कीट श्रा रोग कम लगता है और ये 30 जून के बाद इसकी रोपाई करते हैं तो उसमें कीट श्रा रोग बहुत लगता है क्योंकि उसमें सफ़ेद मक्खी की संख्या बढ़ जाती है जो वायरस को फैलाती है। भावर इलाके में वसंतकालीन फसल फरवरी मार्च में और उस वर्षाकालीन फसल जून जुलाई में बोई जाती है। बीज बेने की दूरी और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए ये सीजन के हिसाब से अलग अलग है। वसंतकालीन फसल के लिए बुआई 45 सेंटीमीटर दूरी पर कतारें बनाएं और कतारों में 30 सेंटीमीटर दूरी पर पौधों की दूरी निश्चित करनी चाहिए। इसी तरह से बीज की मात्रा इसमें 18 से 20 किलोग्राम लगती है, लेकिन ये ध्यान रखें जो ग्रीष्मकालीन फसल होती है उसमें जो आप बीज देते हैं बीज को कम से कम 24 घंटे पहले पानी में भिगो दीजिए और पानी भिगोने के बाद जो बीज नीचे पानी में बैठ जाते हैं उनका इस्तेमाल करिए बोरिंग के लिए और जो पानी बीज ऊपर तैर जाते हैं हरित होने का उनको बाहर कर दीजिए और उसके बाद बीज को छाया में सुखाइए और छाया में सुखाने के बाद फिर से कोरोना से दवा से उपचार करके जिसमें कैप्टन थायराम 2-3 ग्राम दवा एक प्रोटीन में मिला करके उसको दे सकते हैं। बीज की उपचार टाइकोड्रामा से कर सकते हैं। टाइकोड्रामा 8 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लगता है। इसमें पहले बीज को भिगो लिया जाता है और भिगोने के बाद या इसमें 2% का सुक्रोज सॉल्यूशन बना करके उसमें मिला सकते हैं और उसके बाद फिर उसमें टाइकोड्रामा मिला करके और उसकी बुवाई कर देते हैं। लेकिन फिर ध्यान रहे किसी भी स्टेज पर जब तक पौधे नहीं होते हैं तब तक हमें कवकनाशी दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वर्षाकालीन फसल क्योंकि इसमें पौधों को पर्याप्त मात्रा में बढ़ने का मौका मिलता है तो कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर और पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। पौधों को एक तरफ से बीज को बोया जाता है और बाद में जो पौधे घने होते हैं उन पौधों को उखाड़ करके एक पौधे दूसरे पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है और इसमें बीज की मात्रा कम लगती है 8 से 10 किलोग्राम बीज एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। अब बात आते हैं बीज शोधन की। बीज शोधन का मैंने जैसे आपको बताया कि थायराम या कैप्टन अगर मिलती है इसको 2-3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से मिला करके उसे होना चाहिए। वसंतकालीन फसल को 24 घंटे पहले पानी में भिगोएं और भिगोने के बाद फिर उसे छाया में सुखाएँ और छाया में सुखाने के बाद फिर इसको बीज को बुआई कर सकते हैं। कभी कभी बीजों के अंकुरण ठीक से नहीं हो पाते हैं तो वहाँ पर हम जिब्रेलिक एसिड दवा एक हार्मोन है इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें 10 ppm का घोल बना करके उसमें आधा घंटे पहले के 1 घंटे तक भिगो के रखते हैं उसके बाद में फिर उसको बीज की बुआई कर देते हैं तो अंकुरण अच्छा होता है। दूसरा NAA नेत्रिन एसिटिक एसिड है जिसकी 5 से लेकर 20 mg या ppm का घोल बना करके उसमें बीजों को 2 से 2.5 घंटे रखते हैं और उसके बाद फिर उसकी बुआई कर देते हैं और 10 ppm का NAA का घोल बना करके इसको 24 घंटे तक अगर भिगो के रखते हैं तो अंकुरण सबसे अच्छा पाया गया है।
ट्राइकोडर्मा 8 से 10 ग्राम कुछ मिलाकर के बुआई करते हैं और उसको हल्का सा 55 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके और उसका उपचार हम कर सकते हैं, जिससे उससे 20 होने वाली जो बीमारी होती है उसको बचाया जा सकता है। अब भिंडी की कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं जिनका विवरण दिया है, पवनी क्रांति, पंजाब पवनी, पंजाब 7, पंजाब 8, पूसा 1-4, पूसा साबनी, पूसा मखमली बहुत पुरानी प्रजाति हैं और उनमें विषाण रोग बहुत लगता है। तो आजाद भिंडी वन, अर्का नामिता, अर्का अभय, पूसा उन्नति, वर्षा उपहार। इसके अलावा आजाद क्रांति, हरविजन भिंडी, काशी विभूति, इनमें बहुत सारी प्रजातियाँ विकसित हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक दो वैरायटी ही इस तरह की है जिसमें कुछ ये कीट से ज़्यादा उन्हें लगता है, जिसमें पंजाब सेवी, पंजाब पन्नी और पंजाब 8 का मुख्य योगदान है, जिनमें कि वायरस की बीमारी कम लगती है कीट से ज़्यादा। इसके अतिरिक्त अर्का अनामिका और अर्का अभय भी वायरस के लिए प्रतिरोधी हैं, लेकिन इनमें एक दूसरा विषाणु लगता है जिसमें पत्ते पर कीड़ा हो जाता है, इसलिए इसका भी लार्ज स्केल पर इसको नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे वायरस फैलता है। ये कुछ प्रजातियों का आंकड़ा दिया गया है जिसमें कितने समय लगता है इसके फल बनने में और उसकी कितनी पैदावार होती है, तो इसके लिए में दिखाया गया है पंजाब परवनी क्रांति, पूछाए को, वर्षा उपहार, वर्षा उपहार वर्षाकालीन फसल के लिए बहुत उत्तर है, इसमें पीसीआर रोग कम लगता है। पंजाब पदवी बहुत अच्छी है, इसमें पीसीआर रोग नहीं लगता है। अर्कानामिका है, इसमें पीसीआर रोग कम लगता है। पंजाब 8 में पीसीआर रोग नहीं लगता है। इस प्रकार से आप कोई भी किस्म अपनी खेती के अनुसार अपना करके बुआई कर सकते हैं। अब बात आती है पुष्पन और फल का समय। पुष्पन के लिए अपनी गोभी के 42 से 45 दिन के बाद बसंतकालीन फसल में आ जाते हैं और फल इसका बीज होने के 50 से 55 दिन बाद तोड़ने योग्य हो जाते हैं और बीज पकने में 110 से 120 दिन का समय लगता है। इस प्रकार से भिंडी एक प्रमुख फसल है जिसे आप उगा सकते हैं। अब इसके लिए खाद और उर्वरक की कितनी आवश्यकता होगी, इसमें गोबर की खाद आपको 100 से 150 दिन तक हेक्टेयर डालनी चाहिए और मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास में मृदा की जांच की सुविधा है तो मृदा की जांच कराइए और जांच के अनुसार जो भी फसल की आवश्यकता हो उसको देना चाहिए। सामान्य रूप से नाइट्रोजन के 100 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम, जिसमें से आधी नाइट्रोजन, संपूर्ण फास्फोरस, पोटास खेत की अंतिम जुताई के समय पर और साथ में जिंक सल्फेट 6 से 8 किलोग्राम और बोरेक्स 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला करके डालना चाहिए तो उससे बहुत अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त कुछ बीज नियामकों का प्रयोग किए गए जिसमें पाया गया है कि पुष्पन के समय अगर GV3 का 20 ppm का घोल बनाकर छिड़काव कर देते हैं तो उसमें पौधों की उपज अच्छी होती है और थोड़ा अच्छी होती है। इसी तरह से पुष्पन के समय पर ये NA नामक हार्मोन है नियामक, इसकी 20 mg या 20 ppm की मात्रा का प्रयोग करते हैं और उसके घोल बीज उनके अंतराल से 2 बार करें तो उसकी उपज में वृद्धि पाई गई है। बीज को 24 घंटे NA के घोल में धोकर रखते हैं तो बीजों का अंकुरण अच्छा होता है और पुष्पन के समय पर जो इसमें फूल आते हैं 2% यूरिया के घोल का छिड़काव कर दिया जाए तो उससे बीज उनकी अंतराल से करने पर पौधों की उपज बढ़ जाती है, पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और फलों की पैदावार भी अच्छी होती है ज़्यादा। अब बात आती है भिंडी में सिंचाई करने की। सिंचाई भिंडी उत्तरी जलवायु फसल होती है, उसमें 12 एकड़ पानी की आवश्यकता होती है। बसंतकालीन फसल में 1 परिवार बहुत आवश्यक है, ये खेत में पर्याप्त नहीं है तो 1 सिंचाई परिवार के रूप में करें और तत्पश्चात 6 से 7 दिन के अंतराल से मौसम के अनुसार सिंचाई करते रहें क्योंकि इसमें प्रत्येक 30 दिन भिंडी तैयार हो जाती है, इसलिए हर चुवाई के बाद में खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अधिकतर सूखा खेत रहेगा तो प्रारंभिक गतिविधि संपन्न होगी क्योंकि तापमान भी अधिक होता है तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है खेत की सिंचाई करते रहें और खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें।
जिससे कि उसमें फर्क अच्छी हो, तो ग्रीष्मकालीन के बहुत अच्छे हैं। वर्षाकालीन में अधिक पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उस समय वर्षाकालीन फसल में पानी को निकालने की आवश्यकता होती है। पेड़ वर्षा हो जाए अधिक हो जाती है तत्काल उसके खेत से पानी निकाल देना चाहिए। वैसे भिंडी की फसल पानी रुकने से काफ़ी समय तक उसको रोक लेती है और नष्ट नहीं होती है। अब आ जाती है खरपतवारों की, तो खरपतवारों की सब्जियों की जो पत्तियों में किए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा दिखाया गया टेबल में किस फसल में कितनी खरपतवारों से हानि होती है। तो भिंडी की फसल में 70% तक यदि आप निराई गुड़ाई कुछ नहीं करते हैं तो 70% तक उसमें हानि हो जाती है। खरपतवारों को आप निकालने के लिए 3-4 बार निराई गुड़ाई कर सकते हैं। लासो नामक एक दवा इलाके नाम से आती है, इसकी 2.5 किलो सक्रिय होते हैं 8 रुपये के नीचे पानी में घोल करके और उसके बीज बोने के बाद और अंकुर होने से पहले छिड़काव कर देते हैं और उसके बाद 20-25 दिन तक कोई छिड़काव नहीं करते हैं। उसके बाद 45 दिन बाद एक निराई गुड़ाई कर देते हैं, तो इस तरह से खरपतवारों को रोका जा सकता है। इसके अलावा वाशाली फ्लूक्लोराइन दवा आती है, इसका 1 किलो सक्रिय अभ्यर्थ 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके इसको खरपतवार नाशी के लिए उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है टैगीबिथ्रिन या स्टाम्प, इसकी 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय अभ्यर्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इन तीनों में से आप किसी भी जो भी आपको उपलब्ध हो उसका उपयोग कर सकते हैं। तीनों की टेस्टिंग हुई है और तीनों ही खरपतवारों को मारने के लिए अच्छे पाए गए। अब यदि आपकी कोई बीज वाली फसल है तो उसमें जो अवांछित पौधे आपको दिखाई दें तो उसको फसल से पूरी निकाल देंगे और फसल के समय पर निकालिए और फसल के बाद फल पकने के समय पर भी उनको 3 अवस्था में उनके पौधे के आकार, पौधे की पत्तियों का आकार, फल का आकार, फल का रंग, फल का साइज, इन सब चीज़ों को देख करके जो भी पौधा आपको दूसरी टाइप का लगता है तो उसको फिर से निकाल के बाहर कर दीजिए और फसल का निरीक्षण भी उसी हिसाब से आपको एक फल आने से पहले और एक फल आने के समय और एक फल पकने के समय करना होगा आवश्यक। अब आती है फलों की चुराई। कच्चे फलों को आप बाजार के लिए तोड़ते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि 20-40 फसल में 30 से 14 दिन फल तोड़नी हो जाती है और छोड़ने के उसमें हिसाब होता है। तो प्रजाति के अनुसार के फलों का आकार पूरा हो जाता है, आकार 10 सेंटीमीटर का, तो उसे तोड़ करके आप बाजार भेज सकते हैं क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा लंबे फलों की मांग नहीं होती है। एक्सपोर्ट के लिए तो उसमें 8 से 10 सेंटीमीटर के जो फल होते हैं उनकी मांग अच्छी होती है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है तो उसको कोई नहीं खरीदता है। बसंतकालीन फसल से आपको 50 से 55 दिन में 70 से 80 क्विंटल फलों की पैदावार मिल जाती है, 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की पैदावार मिल जाती है। वर्षाकालीन फसल में तो जो पौधा पूरी तरह विकास करता है और इसमें 60 दिन में आपको 90 से 120 किलोग्राम औसतन फलों की उपज प्राप्त होती है और इसमें 15 से 18 क्विंटल बीज की प्राप्ति होती है। बीज उत्पादन के 75 हुए हैं इस माना जिसमें दिखाए गए हैं। ये आंशिक प्रकरण इसमें होता है फिरों के द्वारा, तो जब आधार बीज अगर जब आप बना रहे हैं तो 400 मीटर की दूरी प्रजाति से दूसरी प्रजाति की होनी चाहिए और फिर से दूसरे के इस तरह की होनी चाहिए। प्रमाण के लिए कर रहे हैं तो 200 मीटर की होनी चाहिए और अवांछनीय पौधे उसमें 1 से 1.5 मीटर अधिक नहीं होनी चाहिए और शुद्ध बीज न्यूनतम 99% होना चाहिए, निष्क्रिय पदार्थ 0.0। इस तरह से ये साड़ी में दिखाया गया है आपको बीज अंकुरण न्यूनतम 65% बीज का न्यूनतम जमीन होना चाहिए और अधिकतम 99%। और जब आप बीज को सुखा लेते हैं तो बीज की फलियाँ उतरवाने के बाद, क्योंकि ये फलियाँ पकने के बाद एक बार भी तैयार नहीं होती हैं, इनको कई बार भी तोड़ना पड़ता है और पकते समय इनका रंग भूरे रंग का हो जाता है। तो इसमें दो तरह से पकती है, कुछ लोगों पर कुछ प्रजातियों में ऊपर जो पश्चिम भाग होता है उसका उसमें वहाँ पकती है, कुछ में किनारे से पकती है। तो प्रजाति के अनुसार उसको फटने से पहले ही आप फलियों को जराती की मदद से काट लीजिए और काट करके उनको खजान में ले जाकर सुखाइए और उनकी कटाई 2-3 बार में करनी पड़ती है। अब पके फलों को 2-3 बार में जराती से काटना चाहिए, कटे फलों को सुखाना चाहिए, मड़ाई करके बीज निकालना चाहिए और बीज की सफाई करना चाहिए। बीज को धूप में तेज धूप में सुखाएं और सूखे बीजों को जिसमें नमी 8 से 10
8-7-8% की जब रह जाती है तो उस समय उसका संसाधन के लिए आप भेज सकते हैं और संसाधन को होने के बाद उसको फिर भंडार जो है ना सुरक्षित करके उसके लिए आप बीज को सुरक्षित कर सकते हैं और जहाँ भेजना हो वहाँ पर भेज सकते हैं। यदि आपको इकट्ठा करना है तो उसको शीत भंडार गृह में आप जल्दी कर सकते हैं। बीज भंडार गृह में सामान्य ताप पर इसको 2-3 अवधि बीज को 2-3 साल तक रखा जा सकता है और सामान्य ताप पर नमी इसमें 7% होती है। भंडार गृह में एक दिन एक वर्ष के लिए रह सकते हैं। सामान्य में 29.3 डिग्री सेल्सियस ताप पर 8% नमी होनी चाहिए और शीत भंडार गृह में इसको 4 वर्ष तक रख सकते हैं 21 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और इसमें नमी 12% हो सकती है। शीत भंडार गृह में 100 दिन तक भी आप इनको रख सकते हैं 100 वर्ष तक। यदि आप उसमें नमी को कम कर दें बीज 5% कर दें और तापमान -21 तक कर दें तो आप इस बीज को 100 वर्ष तक भंडारण कर सकते हैं। अब बात आती है फसल सुरक्षा की। तो फसल सुरक्षा में मुख्य बीमारियां इसमें आद्र विघटन, चोरी फफूंदी, कर्ण धब्बा या अनुमारी, नानी, तीसरा रोग और सूखी, ये कुछ बीमारियां हैं जिनसे फसल की सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। आज विघटन प्रारंभ में लगती है बीज का उपचार करेंगे थायराम या कैप्टन से 2 ग्राम बीज के हिसाब से तो आप इससे फसल को बचा सकते हैं। बीज वाली फसल में सितंबर के महीने में जब नमी अधिक होती है, तापमान अधिक होता है तो चूड़ी फफूंदी बहुत नुकसान करती है और उस समय आप कैरासिन दवाई लगती है उसके 6 मिलीलीटर दवा 10 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर देते हैं तो आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। कर्ण धब्बा और अनुमारी से बचाने के लिए कापर ऑक्सी क्लोराइड का छिड़काव 0.25% का बना करके उसके 15 दिन से 3-4 बार छिड़काव करें तो इस बीमारी से आप फसल को बचा सकते हैं। और जब निगरानी या वेटिंग के लिए इसकी कापर ऑक्सी क्लोराइड तो छिड़काव करें और स्टेप कर सकते हैं दवा मिला करके क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और इससे बचाने के लिए कापर ऑक्सी क्लोराइड और स्टेप को साइकिल 6 मिलीग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल करके और 2.5 ग्राम दवा कापर ऑक्सी क्लोराइड मिला करके उसका छिड़काव कर देते हैं तो और डेंजी कर देते हैं तो इसको निगरानी को रोका जा सकता है। बीज शिकार रोग या विषाणु रोग बहुत खतरनाक रोग है और ये वर्षा काल में बहुत अधिक होता है। इसको फैलाने वाली सफ़ेद मक्खी होती है और इस मक्खी को रोकथाम करना बहुत आवश्यक है और इसकी रोकथाम के लिए आपको एक प्रमाणित बीज संस्था से लें और उसको रोकने सफ़ेद मक्खियों को रोकने के लिए मेटासिस्टर दवा का 0.1% का घोल बना करके 10 से 12 दिन के अंतर पर कई बार 3-4 बार छिड़काव करते हैं तो आप इसको फसल को बचा सकते हैं। जैसे ही आप खेत में इसको बोएं तो बोते समय इसमें फ्यूराडॉन 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से डालें या 10 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से डालें और उसके बाद जब पौधे उगने लगते हैं और उगकर के उनमें जब एक दो पत्ती आना प्रारंभ हो जाती है तभी से आप कीटनाशक दवा का छिड़काव शुरू कर दीजिए और उसमें मेटासिस्टर दवा काम करें। इस प्रारंभ में आप मेटासिस्टर का छिड़काव कर लेंगे तो आपकी अपनी फसल को 60 दिन तक भी आपने बचा लिया तो आपको पैदावार में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सूत्रकृमि से बचने के लिए लकड़ी का बुरा बहुत अच्छा है, इसे 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से अगर डालते हैं तो इससे आप बचा सकते हैं। या नीम की खड़ी 15-20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से डालते हैं तो नीम रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं। अब कीटों में कुछ कीट हैं जिसमें एफिड जैसे तेला सफेद मक्खी कुकरा की हल और तनावेदक कीट और रेड स्पाइडर माइट ये कुछ प्रमुख कीट हैं जो फसल को नुकसान करते हैं। इसमें माहू इसमें रोग है मेटासिस्टर दवा के समय 1% बना करके इसका छिड़काव कर दीजिए। माहू को मारने के लिए आप साबुन का पाक जो चूरा आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। 2-3 ग्राम दवा 1 चूरा 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करेंगे तो माहू मर जाता है। जैसे या तेला बहुत हानिकारक कीड़े होते हैं प्रत्येक सीखे रहते हैं मिलने वाले उसमें और सुबह के समय पर दिखाई देते हैं और इनके अंदर जब ये पत्ती से रस चूसते हैं तो पत्ती कप शेप में या तो नीचे की तरफ मुड़ेगी या ऊपर पत्ती किनारे मुड़ जाते हैं। और सफ़ेद मक्खी बहुत छोटी मक्खी होती है पौधे को हिलाने पर ये दिखाई देती है तो इन दोनों को मारने के लिए आप रोगर या मेटासिस्टर दवा का प्रयोग कर सकते हैं। खुतरा कीट ये जब पौधे उगते हैं तो उसमें उगते हुए पौधों को खा देता है जैसे
तो इनसे बचाव के लिए आप कीटनाशी दवा फ्यूरागॉन या थीमेट का इसमें आप करें का प्रयोग करें जमीन में, उससे आप बचा सकते हैं। और जो पौधे थोड़े बड़े होते हैं तो उसमें सेविंग दवा या कागोई चून आता है उसकी दो ग्राम मात्रा एक पानी में बिल्कुल छिड़काव करते हैं। तो उसके बाद इसके अलावा एमिडा की बहुत दवा आती है, उसका जैसे मैं एक दूसरे का घूम बना करके उसका छिड़काव भी आप कर सकते हैं। फलों और तला मेरे कीट की रोकथाम के लिए ये फसलों के समय पर बहुत नुकसान करता है, तो फसलों में इसका छिड़काव जब कीड़ा आ जाता है तब करते हैं, परंतु इससे आप उसमें सुने बता सकते हैं। दुश्मन के समय पर जब उसकी कली नहीं खुलती है उसी समय आप एक दो छिड़काव कीटनाशी दवा का जिसमें सोविंग है या एमिडेट होते हैं उसका कर देते हैं, तो आप फल और तना चले इससे फसल को बचा सकते हैं। एक उत्पादन माइटी के लिए गोबर या मेटर सुखा दवा इसके मारने के लिए पर्याप्त होती है, और कभी कभी इसमें कैलामाइट दवा माइट के मारने के लिए प्रयोग की जाती है, क्योंकि माइट का प्रकोप भी भिंडी की फसल में मिर्च की फसल में कई देखा होता है। ये कुछ प्रजातियाँ हैं जिनके फोटोग्राफ मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये पीली वाल ये अर्थानी का है और ये रिकमेंड हो चुकी है किसानों के लिए, या चार बंगलों से निकाली गई है। ये पीली 266 ये 15 की प्रजाति है, तो टेस्टिंग भी चल रही थी। इसके ये फल दिखाए हैं। इसके अलावा ये दूसरी प्रजाति अर्था अभय है, इसको भी आई तक बंगलों से निकाला गया है और उसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी होती है, कुकिंग क्वालिटी अच्छी होती है और उसमें येलो ग्रीन मुझे ये टॉलरेंस है और इसमें 120 से 130 दिन में ये फसल देती है और उसकी 18 टन प्रति हेक्टेयर पैदावार की गई है। गुजरात से ये हाइब्रिड निकाला गया है, इसके फल काफ़ी बड़े होते हैं और ये 179 कुंटल 179 कुंटल पर हेक्टेयर हरी फलों की पैदावार होती है। गुजरात भिंडी 2 ये सामान्य किस्म है, लेकिन संक्रमण विधि के द्वारा दो प्रजातियों को क्रॉस करके निकाली गई है, एवल मस्कर कामयाब और एवल मस्कर स्प्लेंटस। जूनागढ़ से इसको निकाला गया है और उसकी पैदावार भी अच्छी है, ये 107 कुंटल के हिसाब से पैदावार देती है। इसके अलावा IIBR वाराणसी उसमें भी BR05 प्रजाती है, पौधे इसके छोटे होते हैं और इसकी फ्लावरिंग 4th-5th शाखा से शुरू हो जाती है और फल की लंबाई 8-10 सेंटीमीटर जो कि 18-22 फल प्रति पौधा खाए जाते हैं और उसकी पैदावार 170-180 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। अब ये दिखाया गया आपको कि आप पॉली हाउस के अंदर भी भिंडी की फसल ले सकते हैं चारे के घरों में, क्योंकि उसी का फोटोग्राफ है और ये पंत जीवन प्रजाति को लगाया गया था। तो मित्रों आशा है आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, यदि आपका कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मेल कर सकते हैं और भविष्य में एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल एग्री अकादमी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।